राप्तीनगर विस्तार आवासीय योजना आवंटित संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को जीडीए उपाध्यक्ष से मुलाकात करके अपनी समस्याओं से अवगत कराया तथा उसके निदान की मांग की। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का कहना था कि राप्तीनगर आवासीय योजना के अंतर्गत जीडीए ने भूखंड तो आवंटित कर दिया, लेकिन अभी तक वहां सड़क, नाली, बिजली सहित मूलभूत समस्याओं की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण वहां मकान बनवाने में असुविधा हो रही है। इसी सभी समस्याओं के समाधान के लिए जब आवंटी जीडीए उपाध्यक्ष से मिलने आए तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन आवंटी अपनी जिद पर अड़े रहे और जीडीए उपाध्यक्ष से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर जीडीए उपाध्यक्ष ने अक्टूबर से व्यवस्था सुधारने का लिखित आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए रमेश गुप्ता ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा, राप्तीनगर विस्तार योजना आवंटी संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल जब जीडीए कार्यालय पहुंच करके जीडीए के वीसी से मिलना चाहा तो जीडीए के वीसी अमित सिंह सिंघल ने जो है साफ मिलने से इनकार कर दिया। इस पर यहां के आवंटी जो है मौजूद आवंटियों ने जो है काफ़ी नाराज़गी जाहिर की और अंततः वह जो है जीडीए कार्यालय पर जो है अड़े रहे और उन्होंने कहा कि जब तक जो है जीडीए के वीसी नहीं मिलेंगे हम लोग यहाँ कार्यालय से नहीं जाएंगे। जीडीए वीसी का कहना था कि आप सचिव से मिल लें, लेकिन हम लोग बार बार सचिव से मिले और जब मिलने का समय इनके पट्टिका पर लगा हुआ है कि प्रातः 10 से 12 मिलने का और हम लोग समय से यहाँ आकर के मिलने के लिए जब यहाँ अड़े रहे तो अंत में इन्होंने हार मान करके जो है कार्यालय में बुलाकर चेंबर में बात किया। 10 माह से आवंटियों को लगातार जो है जीडीए का चक्कर लगाना पड़ रहा है, अधिकारी यहाँ पर लगातार जो है दौड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और हर बार आश्वासन ही दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं से कोई टेंडर नहीं हुआ और राप्ती नगर विस्तार योजना स्थल पर जो है विकास कार्य, नाली, सड़क, पानी, बिजली आदि की कहीं से कोई व्यवस्था नहीं की गई। आवंटियों को कब्जा तो कुछ दे दिया गया, लेकिन आवंटी बिजली और पानी के कारण जो है अपने मकानों और दीवारों को नहीं बनवा पा रहे हैं। शीघ्र यदि बनवा दिया जाता है तो आवंटी अपने मकानों को बनवा सकेंगे। आज जब चेंबर में बात हुई है तो जीडीए वीसी ने जो है इन अधिकारियों को अपने चेंबर में बुला करके वस्तुता की जानकारी लिया है। स्थिति की जानकारी होने पर उन्होंने बाद में जो है आश्वस्त करते हुए कहा कि अक्टूबर माह से जो है विकास कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा, तो हम लोगों ने लिखित रूप से जो है उनसे ये कहा कि आप जो भी आज बातें तय हो रही हैं वो लिखित रूप से दे दें और अभी हम लोगों को मिलने के लिए लिखित रूप से मिलने के लिए आश्वासन दिया है, इस नाते हम लोग यहाँ कार्यालय पर मौजूद हैं।